हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो एग्ज़ाम, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी हैं और अदर देन प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी हैं। तो नर्सिंग करियर प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें फीडबैक दें ताकि कंटेंट को और सुधार सकें। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है पायरोमेनिया, ऑप्शन बी है ट्राइकटलोमेनिया, ऑप्शन सी है क्लेप्टोमेनिया एंड ऑप्शन डी है कैपग्रास सिंड्रोम। सो यहाँ पे पूछा गया है एक्सेप्ट, ऑल आर द इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर एक्सेप्ट। सो फटाफट से कमेंट करें। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैपग्रास सिंड्रोम इज द राइट आंसर। ऑल आर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, इनमें से एक्सेप्ट है कैपग्रास सिंड्रोम। कैपग्रास सिंड्रोम क्या होता है? इसमें डेल्यूजन ऑफ डबल्स होता है, डी डी के नाम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेलुसिनोजेंस एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है एलएसडी, ऑप्शन बी है फेनसाइक्लिडिन, ऑप्शन सी है मेस्कैलिन एंड ऑप्शन डी है मिथाइल फेनिडेट। तो यहाँ पे सभी है हेलुसिनोजेंस, इनमें एक्सेप्ट पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करें। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेथाइल फेनिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, आई थिंक आप सभी आंसर कर लेंगे। ऑप्शन कौन सा राइट है फटाफट कमेंट करें। हेलुसिनेशन विच अकर एट द स्टार्ट ऑफ स्लीप आर नोन एज। ऑप्शन ए है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी है हिप्नोपोम्पिक, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रा कैम्पाइन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबो। सो प्लीज कमेंट। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन विच अकर एट द स्टार्ट ऑफ स्लीप, यानी कि शुरुआत बिगनिंग ऑफ स्लीप में होता है, उसको बोलते हैं हिप्नोगोगिक एंड हिप्नोपोम्पिक बोलते हैं। आफ्टर स्लीप अवेकनिंग स्टेप, सो हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, मैक्सिमम हेरिटेबिलिटी इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस। मतलब मैक्सिमम हेरिटेबिलिटी कौन सी में देखी जाती है? ऑप्शन ए है डिप्रेशन, ऑप्शन बी है मेनिया एंड ऑप्शन सी है पैनिक डिसऑर्डर एंड ऑप्शन डी है सिज़ोफ्रेनिया। सो गाइस, क्या होगा इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पेन ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा इज रेफर्ड टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ओवेरियन कार्सिनोमा का पेन कहाँ रेफर्ड होता है? ऑप्शन ए है बैक ऑफ थाई, ऑप्शन बी है ग्लूटियल रीजन, ऑप्शन सी है एंटीरियर सरफेस ऑफ थाई एंड ऑप्शन डी है मीडियल सरफेस ऑफ थाई। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर प्लीज कमेंट। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
जिसने ऑप्शन डी माना है अगर कमेंट किया है तो वो हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ओवेरियन कार्सिनोमा का पेन ऑलवेज रेफर टू मीडियल सरफेस ऑफ थाई। सो गाइस अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहेंगे नॉरसेट के लिए भी। सो क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, एरेटोमेनिया इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एरेटोमेनिया को इनमें से कौन से डिसऑर्डर में देखा जाता है? ऑप्शन ए है बाइपोलर मेनिया, ऑप्शन बी है यूनिपोलर मेनिया, ऑप्शन सी है न्यूरोसिस एंड ऑप्शन डी है ओसीडी। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एरेटोमेनिया इज सीन इन बाइपोलर मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी ग्रुप्स में ताकि सभी की हेल्प हो सके बिफोर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट। ऑप्शन ए है डिरेलमेंट, ऑप्शन बी है टेंजेंशियलिटी, ऑप्शन सी है थॉट ब्लॉक एंड ऑप्शन डी है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। कौन सा डिसऑर्डर इसमें से डिसऑर्डर ऑफ थॉट नहीं है? सो गाइस फटाफट से कमेंट करें। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज डिरेलमेंट इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनफेमिलियरिटी ऑफ फेमिलियर थिंग्स इज सीन इन, यानी कि जानते हुए किसी चीज को अनजाना सा करना वो कौन से डिसऑर्डर में देखा जाता है? ऑप्शन ए है डेजा व्यू, ऑप्शन बी है जेमेस व्यू, ऑप्शन सी है डेजा एंटेंडू, ऑप्शन डी है डेजा पेंस। सो गाइज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। जेमेस व्यू में देखा है कि अनफेमिलियरिटी ऑफ फेमिलियर थिंग्स देखा जाता है, एंड डेजा व्यू में देखा जाता है इसका जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गाइस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट इंक्लूडेड इन साइकोसिस। साइकोसिस में कौन सी फीचर नहीं देखी जाती है? सो ऑप्शन ए है पैनिक अटैक, ऑप्शन बी है डेल्यूजन, ऑप्शन सी है हेलुसिनेशन एंड ऑप्शन डी है हाइपोकोंड्रियासिस। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि साइकोसिस में कौन सी फीचर इंक्लूड नहीं होती है? कमेंट करें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो पैनिक अटैक इज नॉट इंक्लूडेड इन साइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ऐसे क्वेश्चन नॉरसेट में भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोक इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। स्ट्रोक कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है मैनिया, ऑप्शन बी है डिप्रेशन, ऑप्शन सी है बाइपोलर एंड ऑप्शन डी है सिज़ोफ्रेनिया। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रोक इज मोस्ट कॉमनली सीन इन मेनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी फीचर इसमें से पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की फीचर नहीं है। ऑप्शन ए है फ्लैशबैक एंड ऑप्शन बी है हाइपर अराउजल, ऑप्शन सी है हेलुसिनेशंस एंड ऑप्शन डी है इमोशन नंबिंग। सो गाइस क्या होगा आंसर इसका कमेंट करें, एंड द राइट आंसर इज हाइपर अराउजल इज नॉट ए क्लिनिकल फीचर ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। एटिपिकल एंटीसाइटिक आर ऑल एक्सेप्ट, एटिपिकल एंटीसाइटिक इनमें से कौन सा मतलब नहीं है, सभी टिपिकल है बट एक कौन सा इनमें से एटिपिकल नहीं है, कमेंट करें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायरोडेजोन इज नॉट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूरोट्रांसमीटर मेनली इन्वॉल्व इन ओसीडी, ऑप्शन ए है गाबा, ऑप्शन बी है एनई यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी है डोपामिन एंड ऑप्शन डी है सेरोटोनिन। सो कमेंट करें ओसीडी में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मेनली इन्वॉल्व होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेरोटोनिन, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है सभी इनमें से एक्सेप्ट। सो ऑप्शन ए है ट्विंस, ऑप्शन बी है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी, ऑप्शन सी है थ्रेटेंड अबॉर्शन एंड ऑप्शन डी है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। एक के सिवा इनमें से सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो एक्सेप्ट इसमें कौन सा है। सो कमेंट करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ट्विंस इज नॉट कंसिडर्ड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पार्टोग्राम इज इन प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन ए है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी है सर्वाइकल डायलिटेशन इन टाइम स्केल, ऑप्शन सी है डिसेंट ऑफ फीटल हेड इन टाइम स्केल एंड ऑप्शन डी है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। सो पार्टोग्राम में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है कमेंट करके बताएं, एंड द राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है अमाउंट ऑफ ब्लड पास थ्रू प्लेसेंटा ऑन डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, ऑप्शन ए है 50 to 100 ml, ऑप्शन बी है 100 to 200 ml, ऑप्शन सी है 120 to 150 ml एंड ऑप्शन डी है 150 to 180 ml। सो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग में कितना ब्लड लॉस होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 50 to 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग डन बिफोर 10 week, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग डन बिफोर 10 week में रिजल्ट इन, ऑप्शन ए है फीटल लॉस, ऑप्शन बी है फीटो मैटरनल हेमरेज, ऑप्शन सी है ओरोमैंडिबुलर लिम्ब डिफेक्ट एंड ऑप्शन डी है सफिशियंट मटेरियल नॉट ऑब्टेंड।
सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोरोनिक विलेज सैम्पलिंग डन बिफोर 10 वीक में रिजल्ट इन, अगर 10 वीक से पहले कोरोनिक विलेज सैम्पलिंग की जाती है तो इट मे लीड टू ओरोमैंडिबुलर लिम डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम रिक्वायरमेंट पर डे ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन ए 20 mg, ऑप्शन बी है 100 mg, ऑप्शन सी है 750 mg एंड ऑप्शन डी है 1000 mg। सो कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी कितनी होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1000 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिजियोलॉजी पोर्शन, साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इन 20-year-old हेल्थी मेल, ऑप्शन ए है फ्लैट बोन, ऑप्शन बी है लॉन्ग बोन एंड ऑप्शन सी है लीवर एंड ऑप्शन डी है योक सैक। सो यहाँ पे क्या होगा आंसर फटाफट से कमेंट करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन होता है 20-year-old में, वो होता है फ्लैट बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल आर इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फिजियोलॉजी पोर्शन अगेन, ऑप्शन ए है कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन बी है वेनस रिटर्न एंड ऑप्शन सी है कोरोनरी ब्लड फ्लो, ऑप्शन डी है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो एक्सरसाइज के दौरान क्या चीज़ बढ़ती है के सिवाय, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करें। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो कि नहीं बढ़ती ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं, और जल्द ही विद इन कुछ आवर्स के बाद सेकेंड पार्ट आने वाला है वीडियो का। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ, बने रहिए हमारे साथ, तब तक मस्त रहे स्वस्थ रहे, जय हिंद जय भारत।